दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर। मोदी सरकार की श्रमिकों को बहुत बड़ी सौगात, न्यूनतम मजदूरी दरों में की गई बढ़ोतरी, अब कितनी होगी कमाई, आइए जानते हैं। महंगाई से राहत, सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है, जानिए कितना होगा फायदा। ग्राम पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, बीसी सखी, मनरेगा में पशु सखी, कृषि सखी, क्या आप लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, इस चीज़ को जानने के लिए आइए इस वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने देश में बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी का बड़ा ऐलान किया है। इस फैसले से लाखों श्रमिकों को राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इस नए फैसले के बारे में विस्तार से और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा, इस चीज़ को भी हम लोग जानते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश में बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के लिए कम से कम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। दोस्तों, आपको बता दूं, अब इतना ही नहीं, आपको महंगाई भत्ता भी बढ़कर मिलेगा। और ये महंगाई भत्ता और बढ़ी हुई मजदूरी ऐसे कार्मिकों पर लागू होगा जिसमें आप भी आते हैं। अगर आप निर्माण कार्य में, लोडिंग अनलोडिंग में, चौकीदारी में, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि जैसे कार्यों में लगे हुए हैं और जो केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं, इस फैसले से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे महंगाई की चुनौतियों से निपटने में उन्हें राहत मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दूं, नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। इससे पहले अप्रैल 2024 में मजदूरी दरों में आखिरी बार बदलाव किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार साल में 2 बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर में मजदूरी दरों में बढ़ोतरी करती है। कौशल स्तर के हिसाब से मजदूरों को अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल श्रेणी में बांटा गया है, जबकि भौगोलिक क्षेत्रों को ABC श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आइए हम लोग जान लेते हैं, संशोधन के बावजूद क्षेत्र ए में अकुशल मजदूरों के लिए कम से कम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन, 20,358 रुपये प्रति माह होगी। अर्धकुशल मजदूरों के लिए दर 868 रुपये प्रतिदिन, 22,568 रुपये प्रति माह होगी। कुशल मजदूरों के लिए 954 रुपये प्रतिदिन, 24,804 रुपये प्रति माह होगी। और अत्यधिक कुशल मजदूरों और हथियारबंद चौकीदारों के लिए 1,035 रुपये प्रतिदिन, यानी कि 26,910 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। अगर आप एक ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत सहायक, बीसी सखी, कृषि सखी, मनरेगा में जल सखी, पशु सखी हैं, तो आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि हमारी मजदूरी बढ़ेगी। तो इसके लिए आपको बता दूं, जो भी आपको मानदेय मिलता है उसमें कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का होता है और कुछ हिस्सा राज्य सरकार का होता है। मनरेगा कर्मियों के लिए ये योजना सीधे तौर पर लागू होगी, क्योंकि मनरेगा मेट और मनरेगा श्रमिक मजदूर ये लोग केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उसमें भी 75% हिस्सा केंद्र सरकार देती है, 25% राज्य सरकार देती है, या कुछ ऊपर और ज़्यादा हो सकता है। इस चीज़ में भी उसी हिसाब से आपका मानदेय में बढ़ोतरी होगी और महंगाई भत्ता बढ़ते ही आपकी सैलरी, आपका मानदेय आसमान छूने लगेगा। दोस्तों, केंद्र सरकार हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। औद्योगिक मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6 महीने की औसत वृद्धि के आधार पर होता है। पूरी जानकारी के लिए आप श्रम आयुक्त केंद्रीय सरकार की वेबसाइट पर जाकर जानकारी देख सकते हैं। और इस फैसले से मजदूरों की खरीद शक्ति में भी इजाफा होगा और महंगाई के दबाव से उन्हें कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार द्वारा इस न्यूनतम मजदूरी में की गई यह बढ़ोतरी आपको कैसी लगी, महंगाई के इस दौर में अहम कदम साबित हुआ या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे श्रमिकों की आय में बढ़ोतरी होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आने की संभावना है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी है, अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भी लोग इस अपडेट से लाभ उठा सकें और भविष्य में इस योजना के बारे में जान सकें। निवेदन करता हूं, अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।